थे, डिपाइल गए, ढुरा गए, अमरगढ़ी गए। हर्षदी ब्लॉक से आपका? लेकिन क्या है, रास्ता बहुत खराब है, बारिश का समय है ना। हाँ, आपको बहुत पूछ के जाना चाहिए। हाँ, है ना। हमारे पास एक इंडियन सिख का वीडियो है जो कि नेपाल आए हुए हैं और नेपाल में घूम रहे, ये अपनी बाइक पे नेपाल के मुख्तलिफ जगहों पे घूम चुके हैं। हमारे पास कुछ दिन पहले भी इनका वीडियो आया था कि जब नेपाल की आर्मी ने इनको रोका था, आज नेपाली पुलिस ने इनको जाने से रोक दिया और कहा कि भाई आप आगे नहीं जा सकते। तो आज की वीडियो में देखेंगे ब्लॉगर को नेपाली पुलिस ने क्यों रोका। ये एक सिख इंडियन है जो कि इस टाइम पे नेपाल के अंदर मौजूद है और अपनी बाइक पे ये कहीं घूमने जा रहे थे, कहा जा रहे थे और नेपाली पुलिस ने इनको क्या कह के रोका है, आज की वीडियो में देखेंगे। ढुरा गए, अमरगढ़ी गए। हर्षदी ब्लॉक से आपका? लेकिन क्या है, रास्ता बहुत खराब है, बारिश का समय है ना। हाँ, आपको बहुत पूछ के जाना चाहिए। हाँ, है ना। हाँ। पलक तक चल साथ मेरे, पलक तक चल साथ चल, ये बादल की चादर, ये तारों के चल, मैं छुप जाऊं पल। यहाँ आपने सुबह के मॉर्निंग के समोसे आ चुके हैं भाई, और यहाँ अपनी फाइल ट्रांसफर हो रही है भाई अपलोडिंग के लिए। वाईफाई की स्पीड काफ़ी अच्छी है, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। तो भाई समोसा वोसे खाते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर वीडियो अपलोड करके फिर लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है, होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई अपनी वाह वाह वाली जगह से। मतलब अभी हम वैसे बुडवल से समवेयर अराउंड 80 किलोमीटर पीछे है, और आज जैसे कि आपको बताया हम पोखरा जाने वाले हैं भाई। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ पोखरा जाने के लिए। रात को मैं सोया था, ऐसा लग रहा जंगल वाला इलाका है, ढाबे वाबे भी नहीं आ रहे थे रास्ते, पीछे पूरा जंगल वाला इलाका था। पर जैसे ही मैं सुबह उठा मैं हैरान हो गया भाई, मैं तो सीधा जन्नत में उठा भाई, क्योंकि बाहर निकलते ही देखा भाई बहुत ही खूबसूरत था भाई। आपको भी दिखाया मैंने, मॉर्निंग कितनी मस्त थी। चाय वाय पी लिया, नाश्ता वाश्ता कर लिया, निकलने के लिए अपन तैयार है। जस्ट मैं सामान ही बांध रहा था और भैया ने पहले आके मुझसे थोड़ा सा नेपाली में बात करी, फिर मैंने बोला मुझे नेपाली नहीं आती, हिंदी में बोलो, फिर उन्होंने अपने आप पंजाबी बोलने लग गए, और पंजाबी ऐसी बोली मैं हैरान हो गया भाई। मतलब इतनी अच्छी पंजाबी तो मैं भी नहीं बोल पाता, क्योंकि मैं तो यूपी से हूँ ना, और भाई पूरे पंजाब में रहते हैं। मोगा रहते हो जी? मोगे से की कर दो उसे? जॉब कर दो उसे? बड़ी बढ़िया पंजाबी बोल देने, वो मतलब बहुत बढ़िया पंजाबी बोलते हैं भाई, कसम से भाई मैं तो हैरान हो गया। मतलब पूरा जैसे पिंड वाली पंजाबी होती है ना, बिल्कुल वैसी। मोगे जी की कर दे उसे काम? शेफ हो तुम? ओहो भाई, नेपाली शेफ बड़े टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं, और नेपाल से काफी शेफ इंडिया में जॉब के लिए जाते रहते हैं। और वैसे थोड़ा कोई रहने वाला भी है दिल्ली? दिल्ली से है, मेरे चाचा जी है धौलाकुआ से। दिल्ली से रहते? दिल्ली में रहते चाचा, वो धौलाकुआ में। पूरा पंजाबी बात कर रहे भाई, फ्लुएंट तगड़ी वाली भाई, एंड लेवल वाला काम है भाई। सामान पैक करते निकलते हैं अपन। मैं हैरान हो गया भाई, पंजाब का ही समझ लेगा तुम्हें कोई, पक्की बात है। बड़े सारे मोगे तो देख रहे, टेंशन ना लो। जितने भी लोग मोगे से देख रहे नीचे कमेंट करना, मोगे से देखते हैं कितने लोग देखते हैं मोगे से, फिर आप भी देखना वीडियो, ठीक है। सो चेकआउट कर सकते हो भाई, आगे पूरा इलाका जंगल का भाई, और पीछे ही पूरा जंगल था, और जंगल के बीच में एक ढाबा था बस। बाप रे, खतरनाक सीन था कल रात। हालांकि अब तो क्रॉस कर चुके हैं भाई, थोड़ा बहुत और ही रास्ता रह गया बुटवल का, 77 किलोमीटर शो कर रहा है बुटवल। और हम लोगों ने खाना वाना भी नहीं खाया, हम बुटवल पहुँच के ही आराम से खाना खाएंगे भाई। शिव जी की पेंटिंग चेकआउट करो भाई, बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं समझ में आ रहा ऐसी पेंटिंग बनाई कैसी होगी भाई पहाड़ के ऊपर। तो यहाँ पर अपना खाना आ चुका है भाई, बुटवल तक पहुँच गए थे। बस ये समझ लो यहाँ से 4-5 किलोमीटर है, बाहर ही हमने ढाबे पे रुक गए थे, यहाँ वाईफाई भी था, तो आराम से अभी ना थंबनेल हमने लगाना वीडियो का जो 4 बजे आना है, उसका अपलोड भी कर देंगे और खाना वाना भी खा लेंगे। हमने ये सोचा भाई डायरेक्ट आज पोखरा नहीं पहुँचेंगे, वैसे पोखरा ज़्यादा नहीं रह गया, 150 किलोमीटर ही समथिंग है यहाँ से बुटवल से।
तो आज बीच में ना काफी सारी चीजें पड़ती हैं जो मुझे दिखाने का मन है भाई आप लोगों का, तो वो सारी चीजें दिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत रास्ता भी है पोखरा का जाने का, बुटवल से पोखरा, क्योंकि जब मैं लुम्बिनी से आया था यही रास्ते से गया था और बहुत ज्यादा खूबसूरती है इस रास्ते की, तो वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करेंगे, आपको भी दिखाएंगे भाई। भाई कल तक पहुंच जाएंगे पोखरा आराम से, कोई टेंशन नहीं है, पहुंचने तो आज भी पहुंच सकते हैं शाम को और कवर करके, लेकिन कल सुबह सुबह जाके रूम ले लेंगे। अभी रात को लेट पहुंचेंगे तो दिक्कत भी होगी और एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे ज्यादा चलाएंगे ज्यादातर गाड़ी, तो है कि नहीं भाई। सुबह खाना भी नहीं खाया था, अब खाना आ चुका है, खाना खा लेते हैं भाई। ये वाली सब्जी यहाँ पे ज्यादातर मिलती रहती है भाई हर जगह, और ये रही दाल भाई, कॉमन दाल है यहाँ पे हर जगह मिलती रहती है। खाना वाना खा लेते हैं। नेपाल के अंदर एक सिस्टम है भाई, सुबह के टाइम अगर आप खाना मांगोगे तो चावल मिलेंगे और शाम के टाइम अगर आप खाना मांगोगे तो रोटी मिलेगी भाई, ऐसे ही रहता है यहाँ पे। सब बढ़िया सा खाना वाना खा लिया भाई, अभी एक टेंशन और हो चुकी है भाई, हम पोखरा की तरफ जा तो रहे हैं, रूम वूम कुछ बुक ही नहीं कर रहे हैं भाई। वैसे थोड़े दिन पहले मैंने बात करी थी उनसे तो उन्होंने बोला था ऑनलाइन मत बुक करो, डायरेक्ट आ जाना तब रह लेना, पर जब हमने बात करी थी तब 20 तारीख के लिए बोला था हम पहुंचेंगे, और अभी हम लेट हो चुके हैं भाई काफ़ी, तो देखते हैं भाई वहाँ जाके रूम मिलता है कि नहीं, बाकी फ़ोन भी कर लेंगे अभी रास्ते में। अभी तो मैं फ़ोन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम आज पहुंचेंगे कल पहुंचेंगे कंफर्म नहीं है, अगर आज रात को पहुंचेंगे तो शाम को फ़ोन कर देंगे, नहीं तो फिर कल ही फ़ोन करेंगे सुबह सुबह आराम से। बाकी निकलते हैं, बाकी ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं पोखरा के अंदर, वो नहीं मिला तो कहीं और रुक जाएंगे, लेकिन जो जगह बुक करी वो काफ़ी मस्त है, आप देखोगे दिल खुश हो जाएगा आपका। बाकी चलते हैं अब। आ जा मोहित, हिंदी से है। इंडिया से है, दिल्ली से है, इंडिया से जा रहे हैं पोखरा, पोखरा जा रहे हैं। क्या डॉक्यूमेंट और सब बने हैं? सब बना रहा है, बंसार बना है, बंसार बना रहा है, दिखाता हूँ। कहाँ से आए सर जी आप? दिल्ली से। दिल्ली कितने दिन का टूर है? 25 दिन का टूर है टोटल। 25 दिन कहाँ कहाँ घूमे? अभी महेंद्र नगर से घुसे थे, दीपाइल गए, ढुरा गए, अमरगढ़ी गए। हर्षदीप ब्लॉग से आपका? हाँ ठीक है, हम सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी साथ में, थैंक यू, थैंक यू। कहाँ कहाँ से जाना है सर? कहाँ से? अभी पोखरा जा रहे हैं सीधा। लेकिन क्या है रास्ता बहुत खराब है, बारिश का समय है ना, आपको बहुत पूछ के जाना चाहिए, पूछ के जाना चाहिए रास्ता खराब है कि नहीं। ठीक है, ठीक है ना, आपको बहुत दिक्कत होगा, फिर आप जो लैंडस्लाइड होते हैं ना पहिरो, उसमें फट जाओगे, बाढ़ में फट जाओगे, आप मेहमान है, स्वागत है नेपाल में। थैंक यू सो मच। हम अक्षर जी भलो साथ फॉलो कर रहे हैं, मेरा भी एक दोस्त है वो मुकेश, क्या बोला वो भी आया था, बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा अच्छा, हमारा फोटो लेके गया था, हम भी उधर बहुत मिले उससे। थैंक यू सो मच। लखनऊ में मिले थे हम एक दिन फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, जाइए और लैंडस्लाइड का समय है। अच्छा अच्छा, पूछ के जाएगा, आराम आराम से ही जाएगा। रास्ता क्या है बंद है कि नहीं? पहाड़ गिर रहा है, पहाड़ गिर रहा है अभी, बहुत ज्यादा रास्ता खराब है, बहुत रास्ता, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, पानी भरा हुआ है, जंगल में आराम से जाइए, गाड़ी पूछ के जाइए। ठीक है ठीक है, जो अच्छा रास्ता है सर, यहाँ आगे कोई रास्ता खराब है कि नहीं पूछ के जाइए, गिर रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो पहाड़ गिर रहा है ना, वहाँ आपको न खाने की मिलेगा, अच्छा बसने की मिलेगा, ना पानी मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा ना, इसलिए आपको दिक्कत होगा, थोड़ा आपको सावधान होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच सर, हैव अ सेफ जर्नी। मिली, थैंक यू। भाई यहाँ की पुलिस ऑफिसर बहुत ज़्यादा स्वीट है भाई, बहुत ज़्यादा स्वीट है और बहुत हेल्पफुल भी हैं, और वेलकम बहुत करते हैं भाई, कोई भी टूरिस्ट आए सबकी वेलकम करते हैं अच्छे तरीके से। देखा अभी आपने कितना अच्छे से बता रहे थे, और हमारे पास तो वैसे सारा सामान है, उन्हें नहीं पता कुकिंग वुकिंग का भी और रहने का भी, बस पानी की ज़रूरत पड़ती है, बस पानी मिल जाए तो सब जी लेते हैं हम, कहीं पर भी फंस जाए तो भी। लेकिन ध्यान से ही जाना चाहिए, जैसा कि उन्होंने बताया, रिस्क नहीं लेना चाहिए लाइफ के साथ, क्योंकि हम एक अलग देश में आए हुए हैं, इसलिए ध्यान से ही जाएंगे, जहाँ पे भी कोई दिक्कत होगी वहाँ लोगों से पूछते हुए जाएंगे, वहाँ के पुलिस स्टाफ से पूछते हुए जाएंगे भाई।
फुटबॉल पहुंच चुके हैं भाई फाइनली, और फुटबॉल से बस लेफ्ट लेना है। लेकिन आज मैंने पूरे दिन चेक किया भाई, ऊपर से बादल बिल्कुल भी नहीं छटे हैं और खतरनाक मौसम हो रखा है सब पोखरा की तरफ। जैसे कि पीछे पुलिस वाले बता रहे थे ना, हाल काफ़ी बिगड़ा हुआ है, तो लगता है शायद बिगड़ा हुआ होगा भाई, तो ध्यान ध्यान से ही जाना पड़ेगा। और कहीं सब्सक्राइबर्स का भी मैसेज आया था भाई, पोखरा की तरफ काफ़ी लैंडस्लाइड हो रखी है, अब वो पहले हुई है या अभी भी हो रही है पता नहीं है, पता चलेगा भाई वहाँ पहुँच के। तो फुटबॉल काफी बड़ा शहर है भाई, पूरा चेकआउट कर सकते हो, बहुत दूरी दूरी तक नजर जा पा रही है भाई, सारे तरफ घर ही घर बने हुए हैं। एग्जैक्टली यहीं से सीधा रोड जाती है भाई सिद्धार्थ नगर के लिए, और वहीं से बॉर्डर भी है इंडिया का, वहाँ से हम एग्जिट करते हैं तो गोरखपुर और अयोध्या पास ही है, दोनों थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही है। हमें यहाँ से पोखरा की तरफ मुड़ना है, बॉर्डर की तरफ का रास्ता इधर है, जब वापस आएंगे तब बॉर्डर की तरफ जाना पड़ेगा, और बॉर्डर की तरफ जाते समय ही रास्ते में लुम्बिनी भी पड़ेगा भाई। भाई काफ़ी बड़ी सिटी है यहाँ पे, सारी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं यहाँ पे। वाह, मेन हाईवे H10 में पहुंच चुके हैं, सिद्धार्थ हाईवे है ये, सीधी सीधा हाईवे पोखरा तक जाता है। लो भाई टनल भी बन रही है पोखरा के रास्ते में, शॉर्ट करने के लिए रास्ते को। मज़ा है भाई इस जगह में बहुत ज़्यादा। वैसे तो ये पूरा ही रूट बहुत खूबसूरत होता है हमेशा ही, मैं जब पहले भी आया तब भी बहुत मज़ा आया था, पर तब इतना बारिश वाला मौसम नहीं था और नदी चेकआउट कर सकते थे पूरे रौद्र रूप में नीचे, पर इस टाइम पे तो पूरे खतरनाक वाले सीन में है भाई यहाँ पे जगह है। इस वक्त ना काफ़ी ज़्यादा झरने बन चुके हैं, जब मैं लास्ट टाइम आया था इतनी बारिश नहीं थी और मानसून के सीज़न के टाइम में आया था, तो ये झरने देखने में नहीं मिले थे, इस बार कुछ डिफरेंट होने वाला भाई, मानसून पोखरा। बहुत खूबसूरती है भाई, हालांकि ये जो पानी है ना बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, क्योंकि हम जिस एरिया में इस वक्त चल रहे हैं ना, ये जो एरिया है ना भाई, ये एरिया मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे इतना ठंडक नहीं रहती है, तो नॉर्मल ये टेम्परेचर भाई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती है। ऊपर देख सकते हैं फिर से बादल देखने को मिल रहे हैं, और आगे तो अभी बहुत मज़ा आएगा, बस एंटर ही करें बस वहाँ से घूम के, अभी आगे खूबसूरती बहुत बाकी है भाई, पर एंटर करते ही दो तीन झरने ऐसे खूब। भाई आप सबको पता है कि नेपाल के अंदर इन दिनों में काठमांडू हो पोखरा हो सब जगहों में काफी ज्यादा बारिशें हुई हैं और सैलाब का सूरत हाल भी बना हुआ है, तो जगह जगह पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जगह जगह पर रोड खराब है। आप सबको पता है कि नेपाल लोग घूमने के लिए आते हैं, तो नेपाली पुलिस को भी पता है कि भाई इंडिया से अगर कोई यहाँ पे आया हुआ है तो घूमने के लिए आया हुआ, और खास करके बाइकों के ऊपर और भी अपनी बाइकों के ऊपर, तो नेपाली पुलिस ने इनको रोका और रोकते ही साथ इनको कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। जब इन्होंने पोखरा का कहा तो उन्होंने बोला कि अभी आप नहीं जाना क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा लैंड स्लाइडिंग हो रही है, तो आपके लिए मसले का सामना करना
पड़ सकता है। तो मुझे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि यार नेपाली पुलिस आप लोगों को गाइड करती है, नेपाल आर्मी की अगर आपको रोकती है तो आपको बताती है कि भाई आपने अगर यहाँ से जाना है तो ध्यान से जाना, क्योंकि यहाँ पे रोड खराब है या यहाँ पे ऐसे कंडीशन है। लेकिन इन दिनों में आप लोग देख रहे हो कि भाई नेपाल के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक हालात बने हुए हैं। और वो क्यों बने हुए, क्योंकि इन दिनों में नेपाल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे बारिशें हुई है। इन बारिशों की वजह से जगह जगह पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है और जगह जगह पे जो है एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी कि यार अगर आप नेपाल आते हो तो कम से कम आपको नेपाली पुलिस तो गाइड कर रही है कि भाई आपने कहां जाना है या कहां नहीं जाना है। क्योंकि मेन चीज यही होती है कि नेपाल ज्यादातर आबादी अगर आप देखें या ज्यादातर घूमने फिरने की जो जगह है वो पहाड़ी है। तो जब आप अपनी बाइक पे जाते हो या आप अपनी कार पे जाते हो तो वहां पे आपके लिए मसला ये बन जाता है कि आपकी गाड़ी भी स्लिप हो सकती है। अब लैंड स्लाइडिंग होने की वजह से और रास्ता खराब होने की वजह से बारिशों की सूरत हाल पे इंडियन व्लॉगर को नेपाली पुलिस ने रोका और उनको गाइड किया कि आपने कहां जाना है और कहां नहीं जाना। व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो व्लॉग लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग लाजमी कर सकते हो।